नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम सार्थक सिंह है, मैं शाहजहानपुर में रहता हूँ। किसी जागरण फार्मर द जर्नलिस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे साठा धान की कटाई वो किस प्रकार से कर सकते हैं। वो इस गांव के किसान है, ये बताएंगे उन्होंने अपने साठे धान की कटाई कैसे की हुई है। ये किसान बंधु है, ये बताएंगे साठे धान की कटाई कैसे की जाती है। आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हो? अच्छा अच्छा, तो आपने कौन सी फसल लगाई है? साठा धान। ये कब लगाई थी आपने? दो महीने पहले लगाई। अच्छा, दो महीने पहले। तो इसमें आपने पानी कितना लगा दिया? चार पानी लगे। अच्छा, और खाद? खाद तो कमी लगी है दो महीने। अच्छा, मैं लगाई है, कुकर लगाई। और इसमें क्या लगाया आपने? और जिंक वगैरह लगाई है। और ये कीटनाशक दवा वो भी लगाई है, कीटनाशक एक बार। अच्छा, वो कौन सा कीट इसमें लगा था? लगा था पत्ती वाला। अच्छा, हाँ वही लगाता, फिर नहीं लगा दोबारा। अच्छा, तो ये बताओ थोड़ा अपना विस्तार जानकारी दो आपको साठे धान की जरा। ये बहुत बढ़िया, होने में तो बहुत बढ़िया है। बाकी इसका फसल भी बढ़िया होती है। और ये पकने में बहुत। अच्छा, तो यहाँ पर ये कटौनी चालू हो गई है क्या? कटौनी चालू हो गई। अच्छा, हाँ देख लो किसान भाई, यहाँ पर कटौनी इन्होंने साठे धान की स्टार्ट कर दी है बहुत बढ़िया से। और बताओ इसमें आपने पानी कौन कौन से सीजन पे लगाया था, कितने कितने महीने के बाद लगाया था? 20 दिन बाद। अच्छा, लगा दिया था 20 दिन के बाद लगाया। अच्छा, तो ये बताओ कितने बीघा में है साठा धान? 10 बीघे में। 10 बीघे में तो कितना निकल आता है? अरे तो 4 क्विंटल का बीघा निकलता है। अच्छा, खाने में कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा, और बताओ अपने धान की कुछ खासियत बताओ, क्योंकि बहुत बढ़िया धान, किसान परेशान है आपके। परेशान है, इसके बाद में आप क्या करोगे? इसके बाद गेहूं। अच्छा, तो ये बताओ जैसे अगर इसमें घास वगैरह हो जाती है वो कैसे निकालते हो? वो तो दवा डालते हैं। कौन सी दवा? धानों वाली। धानों वाली दवा डाल देते हो, उसके बाद में? उसके बाद में कोई नहीं। अच्छा, ये बताओ इसकी बुवाई आपने कैसे की थी, थोड़ा आप विस्तार से बताओ जानकारी। ये तो गड़ाई, हाथ से गड़ाई होती है। अच्छा, रुपाई। अच्छा, और बताओ जानकारी इसमें, जैसे और इसमें कीट लगा? अभी तक कोई कीट तो नहीं लगा? अभी तक कोई। क्यों, कोई दवा डाली थी आपने? नहीं, कोई कीटनाशक, एक बार लपेटा वाली दवा डाली, बाकी तो। कैसे काटते हो आप इसको? हाथ से काटते हैं। अच्छा, हाथ से, किस यंत्र से? दराती से। तो ये बताओ आपकी इसमें गेहूं, ये कहाँ धान कहाँ ले जाते हो आप इसको? कितने में बिक जाता है? 30-35 रुपये क्विंटल के हिसाब से, किलो के हिसाब से? क्विंटल के हिसाब से मिलता है। 3500 रुपये क्विंटल। अच्छा, तो ये वैरायटी नंबर वन में है क्या? नंबर वन में है। अच्छा, और इसके बाद आप गन्ने अन्य लगा सकते हो? हाँ, गन्ने भी लगा सकते हैं उसमें। और भी कई। मिट्टी कौन सी है? भूड़ की। भूड़ की, यानी कि तराई वाली मृदा है। और दोमट मृदा में क्यों नहीं करते हो? दोमट में भी करते हैं। अच्छा, कर देते हो। अच्छा ठीक है।